बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है जिसमें मैं वूल इस्तेमाल करूँगी 3-ply की, ऑरेंज कलर लगाऊँगी और हुक इस्तेमाल करूँगी 2.5 mm की, और कट के लिए सीज़र यूज़ करेंगे। आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह आप तमाम सब्सक्राइबर को, मेरे व्यूवर्स को सलामत रखे। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। आइए तो न्यू पैटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिंग बनाऊंगी, बहुत आसानी से बनती है। ये देखें, जितना मर्ज़ी है डोरी को अपनी मर्ज़ी से आप खींच के कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 chain मौजूद है, 4 chain बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4। 4 chain बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशे लगाऊंगी। थ्री चेन बनाऊंगी, यहाँ पे 3 chain, वन टू थ्री चेन, ये वाला डिज़ाइन ट्रिपल क्रोशे का है। यकीनन आपको बनाने में मज़ा आएगा और बना हुआ खूबसूरत बहुत लगेगा। आप ज़रूर बनाइए। आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे भी बात हुआ करेगी। कोई भी आपका मसला होगा उस पर भी मैं हल करने की कोशिश करूंगी। थ्री चेन बनाती हूँ और 2 ट्रिपल क्रोश लगाती हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव हो गए हैं, 8 लगाऊंगी। आपके कमेंट्स के जवाब देने में थोड़ी ताखीर के लिए माजरत चाहती हूँ। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए आपके कमेंट्स का जवाब थोड़ा लेट हो गया। अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हूँ, आपके कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ। कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी आपका मसला हल करने की। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 1, 2, 3 chain। ये जो 4 chain बनाई थी इसके टॉप पे जोड़ूंगी यहाँ पर। यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस डोरी को खींच लेंगे। परफेक्ट बनी है हमारी बेस। बहुत खूबसूरत बेस बनी है, इंशाल्लाह डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बनेगा।
स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ आ गई हूँ। इस गैप में यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, फोर चेन बनाऊंगी, ट्रिपल क्रोशे के बराबर है फोर चेन, थ्री चेन गैप के लिए, वन टू थ्री चेन, और यहाँ पे लगाऊंगी ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे लगा लिया है, वन टू थ्री फोर फाइव चेन, फाइव चेन के बाद इस गैप में आ जाऊंगी, यहाँ भी ट्रिपल क्रोशे से ही बनेगा। टू टू ट्रिपल क्रोशे थ्री चेन के साथ, वन टू थ्री, थ्री चेन बन गई इसी गैप में, टू ट्रिपल क्रोशे। वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री चेन का गैप दे रही हूँ, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ये फाइव चेन बनाने के बाद यहाँ पे हमने थ्री चेन का गैप दिया, यहाँ पे वन ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे भी वन ट्रिपल क्रोशे, फाइव चेन का गैप दिया दोनों में, और ये यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशे से टू टाइम्स यहाँ लगाए हैं थ्री चेन के साथ। अब इसी तरह का यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ट्रिपल क्रोशे, इसमें थ्री चेन का गैप होगा, वन टू थ्री चेन, सेम कंडीशन से यहां भी और यहां भी बन गया, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन यहां चल गए। इसी तरह यहाँ पे भी इसी तरह बनेंगे, ट्रिपल क्रोशे थ्री चेन के साथ फोर टाइम्स यहाँ पे बना के राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशे के फोर टाइम्स लगाए हैं मैंने, ट्रिपल क्रोशे फोर टाइम्स थ्री चेन के साथ, यहाँ भी फाइव चेन है, यहाँ भी फाइव चेन है, यहाँ भी फाइव चेन है, यहाँ पे टू ट्रिपल क्रोशे लगाए हैं थ्री चेन के साथ, यहाँ पे गैप दिया है, यहाँ पे भी गैप दिया है, ये दोनों जो बनी हैं बिल्कुल सेम कंडीशन से बने हैं। ये हमारे डिज़ाइन की बाउंड्री है, ये दोनों सेम कंडीशन से जाएंगे, यहाँ की चेन बढ़ेंगी, जैसे ही मैं राउंड पूरा करूँगी आपको बताऊँगी कि फाइव चेन के ऊपर मैंने कितनी चेन लगाई है। वो नीड के मुताबिक जितनी चेन ज़रूरत होगी उतनी चेन बनाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी भी। अब हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है, थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। थर्ड राउंड यहीं से स्टार्ट करेंगे, फोर चेन बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे के बराबर, ये फोर चेन हो गई ट्रिपल क्रोशे के बराबर। यहाँ पे हम
न्यू डिज़ाइन के लिए हम 15 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। यहाँ पे ट्रिपल क्रोश लगाऊंगी, ये देखें इसी के टॉप पे। यहाँ पे हमारा न्यू डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है। उस साइड पे हम 4 चेन लेंगे, ट्रिपल क्रोशे के बराबर जो यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई है वो हम ले लेंगे इस साइड से यहाँ तक, और सेंटर में यहाँ जो गैप है ये गैप हमने न्यू डिज़ाइन के लिए बनाया है। वन टू थ्री फोर, काउंटिंग करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 चेन यहाँ भी हैं, 5 चेन यहाँ भी लगा दी हैं, सेम कंडीशन से बनेगा 2 ट्रिपल क्रोशे 3 चेन के साथ, 1, 2, 3 चेन। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 चेन के साथ फिर इस गैप में आ गए। ये दोनों बाउंड्री लाइन बन जाए तो फिर मैं आपको समझा के राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी। इसी तरह बाउंड्री लाइन बनेगी ये वाली सेम, यहाँ पे और यहाँ पे डिज़ाइन, यहाँ पे डिज़ाइन, राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनेगा, ये दोनों इस डिज़ाइन की ये दोनों बाउंड्री लाइन है और इन दोनों की ये बाउंड्री लाइन है। यहाँ पे चेन बढ़ेंगी या अभी तो दोनों 5 5 लगी हैं, इसके बाद चेन बढ़ेंगी जैसे राउंड बढ़ेगा और यहाँ से हम राउंड 1, 2, 3 राउंड 4 स्टार्ट करते हैं। राउंड 4 स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगी यहाँ पे 4 चेन, 1, 2, 3 4 चेन, 4 चेन मौजूद हैं, ट्रिपल क्रोशे लगाऊंगी, 30 ट्रिपल क्रोशे, 30 ट्रिपल क्रोशे लगाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 30 ट्रिपल क्रोशे नहीं लगाए, 24 ट्रिपल क्रोशे लगाए हैं। हमारे डिज़ाइन की नीड यहाँ तक हमें पूरी मिल गई है, डिज़ाइन हमारा इस पे बेस्ट बनेगा। 30 मैंने बताए थे आपको, 30 नहीं लगा रही हूँ, 24 लगाए हैं। 24 के बाद यहाँ पे 5 चेन, 1, 2, 3, 4 5 चेन, 5 चेन के बाद सेम कंडीशन से बनेगा ये।
अगर आप पतली वूल से बनाएं तो आप मज़ीद अपना डिज़ाइन बड़ा कर सकती हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ तक ये जो टू राउंड आए हैं ये फाइव फाइव चेन के थे। अब यहाँ पे हम सिक्स चेन बनाएंगे। सिक्स, वन चेन का इजाफा किया है ताकि इसमें खिंचाव ना आए। ये सेंटर इसी तरह बनता जाएगा, थ्री चेन मेंटेन रहेगी फोर ट्रिपल क्रोशे के साथ। ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है, सेम कंडीशन से बनेगा। इसी तरह यहाँ भी बनेंगी, यहाँ पे सिक्स चेन लगाई है, यहाँ पे सिक्स चेन लगाऊंगी और सेम कंडीशन से राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया है। आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे हमारे वन टू थ्री राउंड इस डिज़ाइन के साथ थ्री राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये वाला डिज़ाइन जो हमारा सिक्स राउंड तक जाएगा, वन टू थ्री हो गए, थ्री राउंड और आएंगे और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ चेन बढ़ती जाएंगी, यहाँ पे सिक्स चेन लगाए हैं, नेक्स्ट राउंड में सेवन चेन लगाऊंगी। इसी तरह चेन बढ़ती जाएंगी और यहाँ की चेन मेंटेन रहेंगी, फाइव चेन एंड तक जाएंगी। अब यहाँ पे हम कौन सा राउंड स्टार्ट कर रहे हैं ये दिखाती हूँ आपको और बनाना सिखाती हूँ आपको। फोर चेन बनाएंगे, फोर चेन ट्रिपल क्रोशे के बराबर है और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे ही लगाएंगे थ्री टाइम्स। थ्री टाइम्स ट्रिपल क्रोशे टू चेन, ये देखिए थ्री हो गए, वन टू चेन लगा दी। ये हमारे थ्री राउंड इसी तरह आएंगे। चेन्स बढ़ती जाएंगी, राउंड बाय राउंड चेन जो बढ़ाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। बिल्कुल तसल्ली से बनाइए, बहुत आसान बनने वाला पैटर्न है। ये देखें, इसी तरह ये पूरा राउंड इसी तरह आएगा। यहाँ पे फाइव चेन मेंटेन रहेंगी, यहाँ फाइव चेन के साथ फिर ये इसी तरह बनेंगे। यहाँ पे वन चेन इजाफा करूँगी, इसके थ्री राउंड लगा के दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग क्लियर करी है, ये देखिए थ्री ट्रिपल क्रोशे लगाए हैं टू चेन के साथ, इसके ऊपर भी थ्री ट्रिपल क्रोशे आएंगे थ्री चेन के साथ। इसी तरह चेन वाइज चेनें बढ़ती जाएंगी, फोर राउंड से ये हम फोर करेंगे। तब तक यहाँ का डिज़ाइन भी सामने आना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करूँगी फिर आपको इसका भी समझा दूँगी और यहाँ पे भी डिज़ाइन नया बनाना सिखा दूँगी। अब हम इसका राउंड कंप्लीट करेंगे, तकरीबन राउंड थ्री, थ्री राउंड हमारे बने हुए हैं और थ्री हम और बनाएंगे इस राउंड के साथ, थ्री राउंड मज़ीद और बनाऊंगी। मिलती हूँ, रिपीट राउंड है, रिपीट करके और आपसे फिर मुखातिब होती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको ये थ्री ट्रिपल क्रोशे टू चेन के साथ लगाना सिखाया। इसके हमने वन टू थ्री
थ्री राउंड लगा लिए हैं, वन टू राउंड, थ्री ट्रिपल क्रोशे के थे टू चेन के साथ, और जो फोर राउंड है, फोर राउंड हमने फोर चेन के साथ बनाया है। फोर फोर के टू राउंड आ गए और थ्री थ्री के टू राउंड आ गए, ये आपको बनाना सिखाया। ये हमने थ्री राउंड रिपीट कर लिए हैं। अब हमारा यहाँ न्यू डिज़ाइन स्टार्ट होगा, ये बनाना सिखाती हूँ आपको। बाकी सारा रिपीट था, यहाँ से राउंड यहाँ रिपीट हो, रिपीट राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर मैंने नया डिज़ाइन स्टार्ट किया है, वो यहाँ पे टोटल ये डिज़ाइन है जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यही वाला यहाँ पे बनाऊंगे, यही डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे तो मैंने बना लिया है और यहाँ पे आपको बनाना सिखाऊंगी। आइए तो बनाते हैं। ये शुरू से लेके यहाँ तक रिपीट ही हो रहे हैं साइडों पे फाइव चेन के साथ, और यहाँ पे भी फाइव चेन लगाऊंगी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। फाइव चेन के बाद इसके सेंटर में यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे फाइव चेन पे ये देखिए इसका सेंटर है। यहाँ पे चेनें बढ़ती रहीं, ये मैंने आपको बताया था, फाइव चेन, फिर सिक्स चेन, सेवन चेन, एट चेन, नाइन चेन, ये नाइन चेन के टू राउंड है। यहाँ पे हम डबल क्रोशे लगाएंगे, याद रहे बाकी सारा ट्रिपल क्रोशे का डिज़ाइन है और यहाँ पे डबल क्रोशे लगा रही हूँ, डिज़ाइन की नीड है। थ्री चेन बनाई है, इसी गैप में डबल क्रोश लगाऊंगी, फिर फाइव चेन, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन के बाद यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे मेंटेन रहेगा। वन टू थ्री चेन, यहाँ पे फिर फाइव चेन बनेगी, ये डिज़ाइन बन गया। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन के बाद हम यहाँ पे जो फोर चेन बनाते हैं वो तो ट्रिपल क्रोशे के बराबर है, इसके साथ जोड़ती हूँ तो हमारा राउंड कंप्लीट हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि राउंड कहाँ स्टार्ट हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। ये देखें, ये हमारा ये डिज़ाइन तो अपनी खूबसूरती खुद दिखा रहा है, और यहाँ पे यही वाला डिज़ाइन यहाँ भी बनेगा, ये सेम कंडीशन से जाएगा। यहाँ पे न्यू डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर, जैसे राउंड बढ़ता जाता है चेनों में इजाफा होता जाता है, और यहाँ हम चेन में इजाफा कर रहे हैं, और यहाँ थ्री के टू राउंड लगाए हैं, फोर के टू राउंड लगाए हैं, और यहाँ पे हम इसको फाइव करेंगे। ये फाइव हो गए, इस तरह ये डिज़ाइन की खूबसूरती नज़र आ रही है। यहाँ पे वन टू थ्री फोर चेन बनाई है, और यहाँ पे फाइव चेन बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव। अब फाइव चेन आने लगी है,
आपकी मर्जी है किसी साइड से बढ़ा लें या फिर आप सेंटर में से बढ़ा सकती हैं। जैसे ये सेंटर आ गया, हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे लगाएंगे और ये सेंटर से बढ़ जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ से भी आप बढ़ाना चाहें, इस साइड से बढ़ाना चाहें, इस साइड से बढ़ाना चाहें या सेंटर से बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी 5 हो गए, चेन भी 5 हो गई और यहाँ पे भी 5 हो गए। ये पूरा डिज़ाइन जो है इसी तरह बनेगा, 5 चेन 5 ट्रिपल क्रोशे। यहाँ तक पहुँच के दिखाती हूँ और फिर यहाँ तक सेम है, इसके बाद यहाँ जो डिज़ाइन बनेगा वो आपको सिखाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ तक तो सेम कंडीशन से बना, 5 चेन 5 चेन 5 ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशे 3 चेन के साथ। यहाँ भी 5 चेन बनाऊंगी, यहाँ पे नया डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, यही डिज़ाइन यहाँ पे रिपीट होगा। अभी देखती हूँ कितनी चेनें बनी हुई हैं, 1 2 3 4 एंड 5 चेन के बाद ट्रिपल क्रोश लगाऊंगी यहाँ पे। यहाँ पे लग गए, ट्रिपल क्रोश लगा लिया है, यहाँ पे बनाऊंगी 15 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चेन बना ली है और यहाँ फिर हम ट्रिपल क्रोशे लगाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे यही वाला डिज़ाइन जो यहाँ बनाया है, यही सेम कंडीशन से यहाँ बनेगा, ये डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ फिर 5 चेन बनेंगी, 1 2 3 4 5, ये 5 चेन बनाई और यहाँ पे फिर ट्रिपल क्रोश का डिज़ाइन। ये तो सेम कंडीशन से बनता जा रहा है, 2 ट्रिपल क्रोश लगाती हूँ 3 चेन के साथ, 3 चेन देखिए, यहाँ पे 5 चेन 5 ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं और यहाँ पे यही डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखें इसी तरह भराई वाला, फिर उसके ऊपर यही डिज़ाइन रिपीट होगा। ये जो सेंटर में है ये इसी तरह बनते जाएंगे, चेन में कमी या ज्यादती हो सकती है, बाकी ये सेम कंडीशन से अभी बनेगा। और फिर यहाँ पहुँच के इसके ऊपर भराई करना सिखाऊंगी, भराई करनी तो यहाँ सिखाई है, कुछ राउंड रिपीट करके फिर दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन बंद होगा 2 राउंड के बाद, ये डिज़ाइन बंद हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिज़ाइन बड़ा होगा, ये डिज़ाइन इस तरह आ जाएगा। 2 राउंड लगा के दिखाती हूँ आपको, भराई वाला डिज़ाइन भी दिखाऊँगी, ये राउंड कम्प्लीट कर लूँ, इसका नेक्स्ट राउंड जो है वो भराई वाला भी आपको सिखा दूंगी। 5 चेन यहाँ भी मेंटेन रहेगी, 5 चेन यहाँ भी मेंटेन रही और यहाँ तक 5 चेन आई है और यहाँ पे हमने 9 चेन बनाई है, 1 चेन यहाँ पे बढ़ाते रहे, डिज़ाइन की नीड यही थी। और इस साइड पे भी 5 चेन बढ़ती रही हैं, ये भी अभी 5 चेन से ही यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो रहा है। राउंड कम्प्लीट करके दिखाती हूँ, आसानी रहेगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। ये देखिए व्यूअर्स, ये वाला राउंड मैंने आपको बनाना सिखाया था, ये भराई वाला राउंड यहाँ पे हमारा
राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर लिया, ये देखिए यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशे, जैसे हमने यहाँ पे सेंटर में लगाए थे इसी तरह ट्रिपल क्रोशे से भराई की है। यहाँ पे मैंने लगाए हैं 27 ट्रिपल क्रोशे। मैंने सेंटर में जो बनाया था ये वाला, यहाँ पे हमने लगाए हैं 24 ट्रिपल क्रोशे। 24 पे बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं यहाँ पे, 8 डिज़ाइन बन रहे हैं। और यहाँ पे हमने 27 ट्रिपल क्रोशे लगाए हैं यहाँ तक, इस पे बनेंगे 9 डिज़ाइन बनेंगे। जैसे ये सेंटर पार्ट में यहाँ पे 8 बने हैं, इस पे हमने एक ज़्यादा कर दिया है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 बनेंगे। ये वही सेम कंडीशन से बना, 3 डबल क्रोशे 2 चेन के साथ, ये भी मैंने यहाँ तक बना दिया है। ये देखिए सेम कंडीशन से 5 चेन साइडों पे मेंटेन रही, 5 चेन इस साइड पे मेंटेन रही। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, ये देखिए धागा कट नहीं किया, ताकि आपको पता हो यहाँ पे राउंड कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे मैंने धागा कट कर लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये डिज़ाइन अलग बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा, ये यहीं पे रुक गया है। और यहाँ पे इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाऊंगी। और एक साइड पे मैंने बना लिया है, वो आपको बना हुआ दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह बनेगा, ऐसे ये मैंने बना दिया है। अब मैं आपको दूसरी साइड पे यही बनाना सिखाती हूँ, ये कैसे बनाया है मैंने। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टू हो गए हैं, टू चेन हो गई हैं, थ्री फोर ट्रिपल क्रोशे यहाँ पे 3 चेन के साथ सेम कंडीशन से बनेंगे, 1 2 3 चेन, बिल्कुल सेम तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पे वही 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन, 5 चेन के साथ यहाँ पे 3 का राउंड लगाया है, यहाँ से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे ये मिस हुए हैं, यहाँ पे भी मिस हुआ, यहाँ पे भी मिस हुआ, यहाँ से हमने इसके साथ नहीं जोड़ा और यहाँ से भी हमने इसके साथ नहीं जोड़ा, यहाँ सेकंड से जोड़ा है। इसी तरह ये बनाना दिखाती हूँ, बनाना सिखाती हूँ आपको। पहले हमने 3 बनाए थे और अब हम इसके ऊपर 4 ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सेंटर में 2 कर लिए हैं, हमारा 1 ट्रिपल क्रोशे बढ़ गया है, ये देखो नीचे 3 है, ऊपर 4 हो गए हैं। टू चेन मेंटेन रहेंगी, 2 चेन यहाँ बनी है, 2 चेन यहाँ बनाऊंगी,
यकीनन आपको समझ आ गया होगा। ये वाला डिज़ाइन है तो सिंपल नॉर्मल सा डिज़ाइन है, लेकिन बनाने में टाइम भी लगता है और दिमाग भी लगता है। ये देखिए, यहाँ बुनने तक अगर मैं पूरा दिखाती जाऊँ तो यहाँ मेरे 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मैं अब यहाँ से शॉर्ट करती हूँ यहाँ तक, और यहाँ से आपको मोड़ के बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 चैन के साथ ट्रिपल क्रोशे 4 टाइम्स लगाए हैं, यहाँ पे 5 चैन, और यहाँ पे यही डिज़ाइन बन गया। यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे, इसको हम कहीं भी जोड़ेंगे नहीं, इसको यहाँ से मोड़ लेंगे स्लिप स्टिच करके, इस गैप में चले जाएंगे, 4 चेन बनाऊंगी, यहाँ फिर 2 टाइम्स हो गए ट्रिपल क्रोशे, फिर 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे, इसी गैप में लगाऊंगी, फाइव चेन, फोर ट्रिपल क्रोशे, साथ आपको दिखाती जाऊंगी, आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। ये जैसे बन रहा, ये इस तरह यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में इसको मैं जोड़ लूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक फिर रिपीट है, यहाँ तक बुनाई करके दिखाती हूँ फिर आपको, 5 चेन, 4 ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे 2 चेन है। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ आ गई हूँ, यहाँ पे 5 चेन मेंटेन रखी हैं, ये देखें, ये 5 चेन जा रही हैं, और यहाँ अब इस डिज़ाइन के साथ इसको जोड़ना है, यहाँ से यहाँ जोड़ना सिखाती हूँ। वन टू थ्री, ये तो हो गया ट्रिपल क्रोशे। इसके बाद एक बाल और बुनूंगी और यहाँ पे लगाऊंगी, ये देखिए, ये 5 चेन के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 चेन है। ये देखिए, जब मैं इसके साथ जोड़ूंगी, ये देखिए 5 चेन के बराबर है। इस तरह आप 5 चेन का गैप कवर कर सकती हैं इस तरह बना के। अब हम इसको मोड़ लेंगे, अब मैं मोड़ के बनाऊंगी, स्लिप स्टिच कर दिया है, अब इस गैप में आ गई हूँ, यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी, 2, 3, 4 चेन, 4 चेन के बाद यहाँ पे फिर सेम कंडीशन से बनेगा, 3 चेन, 1, 2, 3,
फोर एंड फाइव, फाइव चेन के बाद फिर ये हमारा राउंड रिपीट होगा। सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशे बढ़ाऊंगी सेंटर में, ये हो गए हैं टू, इसमें लगाऊंगी ये हो जाएंगे थ्री। ये देखिए थ्री हो गए, ये हुआ फोर और ये हुआ फाइव। यहाँ पे फाइव ट्रिपल क्रोशे हो गए हैं, ये देखें टू टू टू। अब यहाँ पे लगेंगे थ्री, थ्री चेन फाइव ट्रिपल क्रोशे, फिर राउंड सेम कंडीशन से जाएगा। हर राउंड आपको दिखा रही हूँ जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, मोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए अगर कोई भी मिस्टेक होती है मुझसे होती है, मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकती है। अगर आपको कहीं मिस्टेक लगे तो आप कमेंट्स में पूछिए, हम आपकी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें और आपको मुतमईन करें। ये देखें इसी तरह बनते जाएंगे थ्री चेन के साथ फाइव ट्रिपल क्रोशे। ये फिर यहाँ तक राउंड कंप्लीट करके यहाँ आपको जोड़ना सिखाऊंगी। ये देखिए व्यूवर्स, फाइव ट्रिपल क्रोशे वाला राउंड हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से यहाँ पे जोड़ना भी है और यहाँ से मोड़ना भी है, ये आपको बनाना सिखाती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ तक तो सेम कंडीशन से बनता आ रहा है। अब यहाँ पे वन टू चेन बनाऊंगी और यहाँ पे इसको मोड़ लूँगी। इस तरह मोड़ने के बाद यहाँ से हुक डालूँगी और यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखें अब हम स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से मैं मुड़ गई हूँ, यहाँ बनाऊँगी फोर चेन, वन टू थ्री फोर चेन, फोर चेन मैंने बना ली है। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे लगाऊंगी और ये देखिए यहाँ पे जोड़ूंगी, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे, यहाँ पे ये देखिए यहाँ जोड़ लिया। अब फिर यहाँ से मैं इसको मोड़ लूँगी, ये मोड़ा, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे लगाऊंगी इसमें, ये देखिए एक मिस हुआ है, एक यहाँ जुड़ गया, एक मिस हुआ, एक यहाँ जुड़ गया, अब दूसरा यहाँ इस गैप में लगा दिया है। अब यहाँ पे टू ट्रिपल क्रोशे हो गए, थ्री चेन, कोशिश तो मैंने बहुत की आपको समझ आए, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा जो है वो मुश्किल सा है, मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन आप मेरे पैटर्न को स्टडी करेंगी तो ज़रूर समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे फाइव चेन बनाऊंगी जो शुरू से बनती आ रही है, फाइव चेन ट्रिपल क्रोशे के साथ, यहाँ पे फाइव ट्रिपल क्रोशे लगेंगे। सेम कंडीशन से राउंड कंप्लीट होगा, ये फाइनल राउंड है। यहाँ पे भी ये दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने जोड़ा नहीं था, यहाँ से जब मैं आऊँगी तो यहाँ जोड़ दूँगी। यही हमारा इसका जितना भी डिज़ाइन का ये वाला हिस्सा है ये तैयार हो जाएगा और हम फिर फुल डिज़ाइन पे डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसका पूरा राउंड यहाँ तक ख़त्म करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए व्यूवर्स, हमारा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये पैटर्न यहाँ तक रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम कहीं से भी राउंड स्टार्ट कर लेंगे,
जैसे यहाँ पे 5 चेन बनी है और यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशे लगे हुए हैं, इसी तरह बनेंगे। ये सेम इसी तरह बनेगा 3 चेन के साथ 2 डबल क्रोशे। अब इसके ऊपर पूरा राउंड देने का 2 राउंड इसके ऊपर आएंगे, मज़ीद सेम कंडीशन से बनेंगे 5 ट्रिपल क्रोशे। यहाँ पे 1 चेन का इजाफा करूँगी, यहाँ पे 6 चेन है, अभी काउंटिंग करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन है और यहाँ पे इस साइड पे 4 चेन है, इस साइड पे भी हम 6 चेन कर लेंगे, 2 राउंड आएंगे, 4 हैं 5 कर लेंगे, फिर 6 चेन हो जाएंगी और ये 7 चेन ही मेंटेन रहेंगी। अब इसके ऊपर मैं आपको 2 राउंड लगा के फिर दिखाती हूँ, सेम कंडीशन से बनेगा। ये अपनी हालत में जाएंगी, साइडों पे 5 चेन जाएंगी और ये इसी तरह बनते जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर लेस बनाएंगे, फिर एंड हो जाएगा हमारा पैटर्न। अभी मैं आपको इसके ऊपर 2 राउंड लगा के दिखाती हूँ, सेम कंडीशन से बनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था इसके मैं 2 राउंड लगाऊंगी, ये 2 राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखें हमारे 1 2 राउंड फुल सारे पे 2 राउंड लगाए हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन से बने हैं और यहाँ पे जितनी चेनें थी 7 चेन ही मेंटेन रखी हैं, यहाँ पे साइडों पे 5 5 चेन मेंटेन है और ये अपनी शुरू से आखिर तक सेम कंडीशन से बना। यहाँ पे 4 चेन थी जब मैंने आपको दिखाया 5 की, फिर 6 कर ली, यहाँ पे भी 6 चेन है, 7 और 6 में इतना फ़र्क नहीं होता। अब इसके ऊपर हमने बनानी है लेस। लेस ये आपको इसलिए बनाना दिखाया नहीं कि ये सेम कंडीशन से बना है, रिपीट हुआ है, सारा 2 राउंड थे, यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशे मेंटेन रहे, यहाँ भी 5 ट्रिपल क्रोशे मेंटेन रहे, यहाँ पे 4 चेन थी, यहाँ पे 5 हो गई और यहाँ पे 6 कर दी, इतना सा फ़र्क था। बाकी अब लेस बनाना सिखाऊंगी। जो लेस मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, ये देखिए ये वाली लेस बना रही हूँ, ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे एंड हो रहा है और ये जाली वाला डिज़ाइन जाली से एंड हो रहा है, ये भराई वाला भराई से एंड हो रहा है और इसके ऊपर मैं मोती बना रही हूँ। यहाँ तक मैंने बना दी है, यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत बना है, आप भी बनाइए। ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 इस साइड पे भी 4 चेन है, इस साइड पे भी 4 चेन है और 4 चेन की सेंटर में हमने ये छोटा सा डिज़ाइन बनाया है जिसे मैं मोती कहती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चेन यहाँ पे लगाने के बाद 1 2 3 4 4 छोड़ दिए हैं और यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, स्लिप स्टिच की मदद से ये जोड़ लिया। यहाँ जोड़ने के बाद फिर 4 चेन बनाऊँगी, 3 4 और यहाँ पे लगा दूँगी। सॉरी, यहाँ पे हमारा भराई वाला डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पे हमारा जाली वाला बन चुका, हम यहाँ पे फुल रिमूव नहीं करेंगे, 4 चेन छोड़ देंगे। ये देखिए 1 2 3 4 4 चेन के बाद हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे लगाएंगे, 5 अदद। ये देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 लग गए हैं और इन 5 को एक साथ बंद करूँगी। ये देखें ये बंद हो गए,
यहाँ पे फाइव चेन बनाऊंगी, टू थ्री फोर फाइव। फाइव लगाने के बाद इसी गैप में फिर दोबारा से क्रोशिया लगाऊंगी और यहाँ पे इसको निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा इसके टॉप पे भी मोती बन गया। यहाँ पे यहाँ फिर इस साइड पे फोर चेन की है और इस साइड पे फाइव चेन करूँगी, टू हो गई हैं, थ्री फोर एंड फाइव। वो भी आपको समझाती हूँ कि यहाँ वन चेन का इजाफा किस लिए किया है। ये देखें इसको बिल्कुल सीधा रखने के लिए यहाँ पे फाइव चेन बनाई है कि इसका जो इसकी इसकी गर्दन मुड़ जाती है वो ना मुड़े। अगर फोर चेन बनाएंगे तो ये टेढ़ी हो जाएगी, इस तरह ये मोती इस साइड पे मुड़ जाएगा। अभी देखें बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब यहाँ पे बनाएंगे हम नाइन चेन, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नाइन चेन बनाने के बाद काउंटिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर दबा लेंगे और यहाँ पे फाइव फोर चेन का बन जाता है मोती। यहाँ पे फिर फोर चेन बनाएंगे, फोर चेन बन गई और यहाँ पे हमने लगा दिया। यहाँ पे हाफ क्रोशे से जोड़ रही हूँ, ये देखें ये सेम कंडीशन से बन रहा है, बहुत अच्छी लेस बन रही है। यकीनन आपको मेरा ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा, इस पर टाइम बहुत लगा है बुन बुन के, मेरी सत्यानाश हो गई है, ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी भी इसको मैं बड़ा इससे और बड़ा बनाना चाहें आप तो मज़ीद इसके ऊपर टू से थ्री राउंड दे के और बड़ा कर सकती हैं। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी इसलिए मैंने यहाँ इसको बंद कर दिया है, इसकी लेस बनाना स्टार्ट करती है, वरना मैं आपको ये पूरा बना के फिर समझाऊंगी कि आप किस तरह इसको मज़ीद बड़ा बना सकते हैं। अगर बड़ी डाइनिंग टेबल है आपकी तो आप इसको बड़े से बड़ा बना सकते हैं। कभी भी ये लेस बनाएं आप एक साइड फोर चेन से स्टार्ट करें और फाइव से बंद करें, क्योंकि फिर इसका सेंटर मेंटेन रहता है। ये देखें ये भी बनाना सिखा दिया, ये भी बनानी सिखा दी और ये भी बनाना सिखा दिया आपको। अब मैं इसकी लेस कंप्लीट करके पूरा पिन अप करके फिर आपको समझाऊंगी भी, दिखाऊंगी भी, और कोई भी चीज़ रह गई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, वन टू थ्री फोर, जो फाइव चेन होती है उसमें लगाती हूँ। आगे फोर चेन बनती हैं तो ये सही अपनी हालत में आ जाते हैं। ये देख अब मैं इसका राउंड कंप्लीट करके और फिर आपको दिखाऊंगी, जो कमी पेशी होगी वो समझा भी दूंगी। यकीनन आपको समझ आ गई हो, लेस बहुत आसान है, बहुत ही आसान है लेस बनाना। यहाँ से सिखाना शुरू की है, यहाँ तक बना के दिखाई है, आपको ज़रूर समझ आ गई होगी कि ये लेस कैसे बनी है। मिलती हूँ फुल लेस कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए व्यूवर्स हमारी लेस कंप्लीट हो गई है, हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यकीनन आपको पसंद आया होगा, ये पूरा देख लें, सारी लेस बन गई है और बहुत अच्छा बना है। अभी इसकी आपको मैं मेजरमेंट भी दिखा दूंगी, तकरीबन 85 ग्राम्स वूल लगी है इस पर। आपको मैं इसकी मेजरमेंट भी दिखाती हूँ, मेजरमेंट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तकरीबन 24 इंच में तैयार हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा बना है, आप भी बना सकती हैं। लंबाई तो इसकी 24 इंच है और चौड़ाई भी आपको दिखा देती हूँ,
चौड़ाई 18 इंच है। सेंटीमीटर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, सेंटीमीटर में है 62 सेंटीमीटर लंबाई है, और चौड़ाई जो है वो भी बताती हूँ आपको, 47 इंच चौड़ाई है इसकी। कलर अपनी मर्ज़ी का लगा लें। 85 ग्राम्स तक मेरी वूल लगी है इस पर, टाइम बहुत लगा है लेकिन आपको पैटर्न मेरा पसंद आएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पैटर्न के साथ फिर मिलते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे पैटर्न पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच।